सो गाइस एंड वेलकम बैक अभी एक नए वीडियो के साथ। तो कल रात हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ टेंट लगा के रखा है, बगल में सर रखी है। रात को कुछ आया था, जब मैं यहाँ पे सो रहा था तो आगे कुछ आया था। तो ये जगह है ऐसा, ये बाजार है, वो ये संथाली गांव का है, एरिया है, मतलब जहाँ मैं रुका हूँ मेन झारखंड में है वो भी। अब हमें निकलना इस साइड में जो कि उड़ीसा साइड, उड़ीसा वाला रास्ता जाता है, तो ये रास्ता जाना है हमें। ब्रश करेंगे आगे जाके, थोड़ा ब्रश करेंगे, शक्ल धोएंगे, नहाने की जगह मिले तो नहाएंगे क्योंकि कल से नहाया नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली नहाने के चक्कर में मतलब नहाने का जगह नहीं मिलता ना, उसकी वजह से नहीं नहा पाते। तो पहले तैन को समेटते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस मेरा दोस्तों, मैं निकल गया हूँ। अभी हम निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से आज वेस्ट बंगाल पहुँच जाएंगे क्योंकि हमें वेस्ट बंगाल घुसना ही पड़ेगा। अगर झारखंड होते जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि लिफ्ट लेना और रहना ये सब थोड़ा मुश्किल है। तो हम वेस्ट बंगाल होके ही जाएंगे, मतलब कोलकाता मेन सिटी नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो अभी हम हैं यहाँ पे, जो कि आप ये साइड में देख रहे हैं, ये जहाँ का मतलब हफ्ते में एक बार बाज़ार लगता है, तो वो सब जहाँ बाज़ार के लिए है, मतलब संथाल लोग कुछ भी बोलो, यहाँ का जो बाज़ार लगता है वो आपको वहाँ है। मतलब हम लोग का जैसे होता है ना, जैसे हफ्ते में एक बार लग जाता है बाज़ार, वैसा ही है यहाँ भी। तो अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है क्योंकि गाड़ी आज भी बन रहे हैं, ट्रक वगैरह, तो हमें जो भी लिफ्ट मिला हमें उसी से जाना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं कई जगह मिले तो। कौन है पतन? आज का लिफ्ट इतना तक ही है, बस 5 मिनट का लिफ्ट है। वो बंदा जा रहा है उधर और मुझे इधर जाना है, लेकिन मैप देखना पड़ेगा पहले।
जो कि मुझे कोलकाता होके जाना पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल होके जाना पड़ेगा। तो इसी रास्ते के हिसाब से मतलब मैंने मैप देखा है, ये रास्ता दिखा रहा था, तो उसी के हिसाब से जाएंगे अभी। बाइक से 5 मिनट का लिफ्ट, दूसरा लिफ्ट मांगना पड़ेगा अभी फिर से। मुझे बस यही कुत्ता डर लगता है। तो चलते हैं यार, पूरा साइन बोर्ड में हिंदी से लिखा होता है, मुझे पुस पढ़ना नहीं आता हिंदी, तो मेरे लिए मुश्किल रहता है हिंदी पढ़ना। थोड़ी देर पैदल चलते लिफ्ट मिल जाएगा आगे बहुत से, उतना भी मुश्किल नहीं होगा। और बगल में यो स्कूल है, बिल्कुल जो है ना इधर का जो फील है बिल्कुल विलेज वाला फील है, पूरा मतलब त्रिपुरा वाला फील है। बस थोड़ा डिफरेंस है वो लोगों का, वो मतलब घर वगैरह ये सब डिफरेंस है, अलग है, और पहाड़ में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब ठीक है, सब सेम टू सेम ही है त्रिपुरा से, मतलब नॉर्थ ईस्ट से। बढ़ते हैं फिर से, अपनी एक लिफ्ट छोड़ के दूसरी लिफ्ट के लिए तैयारी। आज सुबह का पहला मेन लिफ्ट मिल गया हमें, क्योंकि एक बड़ा सा ट्रक है और भैया जी ने दिया तो भैया जी ने दिया है लिट्टी पारा तक, मतलब लिट्टी पारा ही बोलते हैं वहाँ, वहाँ तक मिलेगा लिफ्ट, और वहाँ से हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। और थक गया थोड़ा, आप यही कहे ना झारखंड का, बिहार, बिहार का, बिहार का। अच्छा, कल हम बिहार से आए थे, अच्छा। तो भैया जी बिहार से, और कलम बिहार से ही आए थे, थक गया थोड़ा, सांस लेने में दिक्कत हो रही क्योंकि बैग थोड़ा भारी है, और ऐसा है रास्ता। तो आज का दिन भी थोड़ा आसान रह गया, कल थोड़ा मुश्किल था लेकिन आज थोड़ा आसान है। थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और ट्रक को ऐसे डेकोरेट करके रखा है ना, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे 8 बजने वाले हैं टाइम, फिर भी वो क्या बोलते हैं धूप अभी तक नहीं निकला, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, मतलब इधर साइड से भी बाहर, इधर साइड से भी बाहर, इसके वजह से नहीं निकला। और हमारा त्रिपुरा आसाम ये सब बोलो 7 बजे धूप निकल जाते, 6-7 बजे धूप निकल जाता। तो गाइस ट्रक वाले भैया ने यही दिक्कत है कि ये चल रहा है, इधर जाओ तो वो आवाज़, इधर आओ तो वो आवाज़।
तो हमें ट्रक वाले भैया ने हाँ आप शांति मिला। तो हमें वैसे ट्रक वाले भैया ने यहाँ तक सोरा हीरापुर ना क्या नाम था पता नहीं, तो यहाँ से बंगाल हो गया 35 किलोमीटर दूर है बंगाल, यहाँ से वेस्ट बंगाल। वो वहाँ पहुँचते ही थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन बाहर आसान रहेगा इससे बाहर। तो यहाँ से लगभग बस से जाएगा तो 40 रुपीज़, और ऐसे वाला जो भैया है इससे जाएगा तो 30 रुपीज़। यहाँ से कुकू ना क्या नाम है, फिर वहाँ से दूसरा गाड़ी लेना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं लिफ्ट मांग के, अभी अभी तक कोई गाड़ी नहीं आया जो बड़ा गाड़ी है तो हम लिफ्ट मांग सके। भाई आज सुबह सुबह लगभग 8 बजे निकल गया, बंगाल पहुँच गया समझो, नसीब अच्छा है जल्दी पहुँच गया। और यहाँ पे हर जगह वो माइक वाला लगा के रखा है, ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रहा है, इधर बनाऊँ तो इधर से आवाज़ आती है, इधर बनाऊँ तो इधर से आवाज़ आता है। तो फिलहाल वीडियो को बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आगे पे बॉर्डर पे। ये अंकल ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया पाकुड़ तक, मैं पाकुड़ तक, और इसको बहुत थैंक यू बोल सकते हैं, बहुत दूर से लेके आया है। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, हम भी जा रहे हैं। और ये अंकल ने यहाँ तक छोड़ा है मुझे, अब मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से 1 किलोमीटर जो कि है बांग्ला से, जो वो क्रॉस करते हम लोग बांग्ला पहुँच जाएंगे। अंकल बहुत अच्छा है, अपने घर से बहुत आगे आके छोड़ दिया था मुझे, एटलीस्ट हेल्पफुल है यहाँ का लोग, उतना नहीं है कि जो बोले। चलो बिजी एरिया है, थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। सो हेलो गाइस, पहुंच गया है कोलकाता जाने वाले रास्ते, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाके लिफ्ट लेंगे और ये अपना बोर्ड रेडी है। तो झारखंड से ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर जहाँ मैं रुका था, तो अराउंड 30 किलोमीटर था सुबह सुबह आगे, अभी 10 बज गया, 10:30 हो गया। थोड़ा आगे जाके वहाँ से लिख लेंगे, ये वाला रास्ता है, इधर जाएंगे इस साइड में, थोड़ा आगे जाके ट्रक वाले से लिख लेंगे। सुबह से कुछ खाए नहीं और अब भूख भी लग रहा है तो कुछ खाने के लिए भी ढूंढ लेंगे, फिर लिख मांगना शुरू करेंगे। चलिए गाइस, फिर से इस मोर पे खड़ा हूँ, लिफ मांग रहा हूँ गाड़ी पे आ रहा, क्या पता एक तरह आ रहे, अगर वो रुक गया तो सही है, नहीं तो फिर पैदल चलते रहना पड़ेगा। एक ट्रक और एक बस आया है, ट्रक वाले को दिखाते हैं, रुक जाए तो सही ना तो फिर चलना पड़ेगा। दो ट्रक आया, एक पीछे में है एक आगे में है, चलो करते हैं। ये वाले को ट्राई करते, तीसरा वाला ट्राई करना पड़ेगा जो पीछे आ रहा है उधर से, मुश्किल है भाई मुश्किल, बहुत मुश्किल है। पीछे जो आया वो एम्बुलेंस है, उसमें थोड़ी ना जाएगा, तो बजट ट्रेवलिंग करना थोड़ा मुश्किल है। सो मेरे प्यारे यारो, 1 घंटे के ऊपर हो गया हम इसी स्पॉट पे, मतलब ऐसा होता है कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलता, बाद में देरी से मिलता है, करना पड़ता है, बस पूजा की वजह से ना ये सब हो रहा है, अगर पूजा नहीं है तो आसान है मिलना, थोड़ा सा हार्ड हो गया, कोई नहीं मिल जाएगा 12-1 बजे तो आराम से मिल जाएगा। अब
अभी बस अभी नहीं मिल रहा, ट्राई करते बाइक वाले से भी मांगते। सो गाइस अभी जहाँ हम रुके थे वहाँ से हमें तो गाड़ी नहीं मिलने वाला, तो हमने एक टोटो लिया है जो कि इनका साधन भैया लोग का साधन, ट्राई कर देते। तो ये भैया है हमें जो मतलब लेके जा रहे हैं, टोल तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रक वगैरह नहीं रुकता, तो रुकने का कोई काम नहीं करता यहाँ पे, एक घंटे से रुका है यहाँ पे और फ्री में जा रहा अभी भी। भैया दे देंगे ये भैया, आप यही कहे ना लोकल, आप यही कहे, मिल के अच्छा लगा। थैंक यू। और ये लिफ्ट, तो अभी ये लोग मुझे छोड़ेगा बस स्टॉप पे ना, बस स्टॉप पे छोड़ेगा यहाँ से, और मुझे वहाँ से टोल पकड़ना पड़ेगा, टोल के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ही गाड़ी रुकता है और लिफ्ट मिलता है, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, मतलब रोड साइड जगह ही नहीं है रुकने का। चैनल का नाम TJST, हाँ मिला था, तो एक अंकल जी था वो उसी थे, अभी निकलेंगे यहाँ से खाने के बाद। तो यहाँ पे ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं, बिरयानी वगैरह हाथ से खाने का आदत नहीं है। तो खाने के बाद मिलते हैं, चलिए फिर। गाइस देख रहे हो कितना धूप हो रहा है, दोपहर की 1 बज गया है, बहुत धूप है, फिर भी मैं पैदल ही चल रहा हूँ अभी। तो पीछे टोल है, वो टोल क्रॉस करके आया है, बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा आगे जाके वहाँ पे तो कोई सा भी लिफ्ट ले लेंगे, लिफ्ट तो नहीं मिल रहा यार, कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा यहाँ पे, सिर्फ बंगाल में थोड़ा मुश्किल लिफ्ट मांगना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आगे थोड़ा छाव वाला दूर के लिफ्ट मांगेंगे, भाई मरने वाला हूँ लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ता, जाएंगे तो ज़रूर, चलते बनो, बस लिफ्ट मिल जाए। देखो धूप कितना कर रखा है, लिफ्ट मांगने की कोशिश किया लेकिन दो बंदे हैं पीछे, मैंने देखा नहीं था, 5 रुपये है मेरे पास कैश में, बस इतना ही है कैश और कुछ नहीं है। चलिए कोई बाइक वाला आए तो लिफ्ट मांग लेंगे, एक वो बंदे से, बहुत गर्म लग रहा है, शरीर वरीर जल गया, चमड़ी वमड़ी।
एक बंदा आया लिफ्ट मांग करके। मिल गया, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा। बहुत गर्म लग रहा है, वेदर चल रहा था। थोड़ा आगे तक वैसे कोई वैसे पेड़ के नीचे हम जा रहे हैं ये कन्याकुमारी। ज़्यादा लंबा लिफ्ट नहीं है, शॉर्ट लिफ्ट है, फिर भी थोड़ा शांति तो मिला। गर्मी में वॉक करने से तो अच्छा है। अभी टाइम है दूसरा लिफ्ट लेने के लिए। ट्रक वाले आए, बस ट्रक है, बस है, लेकिन बस से नहीं जाएंगे, अब ट्रक पकड़ेंगे। बस वाले से मतलब क्या करेंगे, पैसेंजर वाला गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी, पैसा वो ले लेता है ना। खाली बासी बस आ रहा है, ऊपर से गर्मी, हाय दया, मर जाएंगे रे हम तो। एक बुलेरो पिकअप के पीछे में भी ना बैठा देगा, हम चल जाएंगे। बहरामपुर वाला रास्ता और यहाँ पे लिफ्ट मांग रहा हूँ साइन बोर्ड लेके, क्योंकि मुझे और आगे चलना है, यहाँ नहीं रुकेंगे हम। लिफ्ट मिले तो चलेंगे भाई। ट्रक वाले आएंगे तभी तो लिफ्ट मिलेंगे। चलो वेट करते हैं कौन आता है पहले, कौन देता है लिफ्ट हमको, किसका दिल अच्छा है किसका दिल खराब है, ये देखते हैं। बाइक वाले तो कभी कभी दे देते हैं, लेकिन बाइक वाला ज़्यादा दूर नहीं जाते, ठीक है। और तीन चार ट्रक आ रहे हैं, वही देखते हैं मिलता है कि नहीं। बैग बहुत भारी है, गर्दन दर्द हो गया, कंधे दर्द हो गया, सब दर्द हो गया। जंगीपुर, तो अभी जंगीपुर वाला रास्ते में हैं हम, तो ऐसे ही हिचहाइक कर रहे हैं। जो मैंने पिछली बार मांगा था वही जो पीछे में ना, वही ट्रक वाले हैं, और दूसरा तराक नहीं चाहिए। भाई थोड़ा मुश्किल है। कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी। कोई नहीं रुकता है, देव नहीं रुकता है। नहीं, आज का दिन वो पूजा खत्म हुआ, उसकी वजह से नहीं, उसके वजह से नहीं रुकता। Thank you.
जगह नहीं है, जगह होने से रोक देता तो अंकल जी मदद कर रहे हैं मेरा। ट्राई करते हैं लास्ट बार, नहीं तो बाइक वाले को ही लिफ्ट मांगेंगे। ये तो दूसरा घर लगता है। गर्मी भी बहुत है और दूसरा गाड़ी आ रहा है उधर से। ट्राई करते, ट्राई करने के बाद मिलते थोड़ी देर में। गर्मी बहुत हो गया, अभी फिर से लिफ्ट मिल गया। ये हमारा 7th लिफ्ट होगा आज का। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज ट्रेन से सियालदह जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। अभी टिकट ले लिया मैंने और जल्दी निकलना है यहाँ से, मेरे को यहाँ पे नहीं फंसना। लोग भी बोले जल्दी निकलो, तो निकल रहे हैं जल्दी। तो अभी इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट अभी शुरू करते हैं, ठीक है।